सही और सटीक जानकारी के लिए आरुष फंडामेंटल्स में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आप जनरली बिजली के तारों को देखते होंगे, बड़े बड़े टावर को देखते होंगे, और कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं जो कितना केवी का लाइन है, अर्थात कितना वोल्ट का लाइन है। क्या 1,32,000 वोल्ट का है, या 2,20,000 वोल्ट का है, या 4 लाख वोल्ट का है, या LT लाइन्स है। तो इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा, और ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप भी एक्सपर्ट हो जाएंगे और तुरंत समझ लेंगे कितने वोल्ट का लाइन है। तो सबसे पहला देखिए, ये जो टावर पे लाइन जो भी है वो 66,000 वोल्ट अर्थात 66 KV या उससे ऊपर की लाइन है, और ये सिंगल पोल जो देख रहे हैं इस पे अधिक से अधिक 33,000 वोल्ट तक की लाइन होती है। अब जैसे यहाँ देखिए, ये जो PSC पोल है, चाहे जॉइस्ट पोल हो, रेल पोल हो, उस पे 33,000 तक की लाइन होती है, और ये टावर पे जैसा मैंने बताया 66 KV अर्थात 66,000 वोल्ट की लाइन होती है, या 1,32,000 की होती है, या आपको 2,20,000 की होती है, फिर या 4 लाख वोल्ट की होती है। 4 लाख वोल्ट अर्थात उसी को 400 KV बोलते हैं, किलो में डिवाइड करके। तो ये जो है 11 KV या 33 KV, इसको आप इंसुलेटर के साइज से पहचान लेंगे, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। और ये जो भी टावर पे लाइन होती है उसमें आप इंसुलेटर को गिन के बता लेंगे। अब उसको गिन के क्या आप करेंगे वो मैं दिखाता हूँ, एक मैं ग्रिड का एक दृश्य दिखाता हूँ आपको। तो उसे पहचानने के लिए आपको स्ट्रिंग ऑफ इंसुलेटर जो है उसको देखना पड़ेगा, उसको गिनना पड़ेगा। तो आप देखेंगे स्ट्रिंग ऑफ इंसुलेटर जो है ना, वो दो तरह से होता है, एक होता है आपको वर्टिकल में, एक होता है हॉरिजेंटल में। तो हॉरिजेंटल में एक ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ टेंसाइल फोर्स ज़्यादा होता है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल स्ट्रिंग कितने इंसुलेटर का बना है उसको देखना है। आप जैसे इसको देखिए, ये 1, 2, 3, 4, यहाँ 4 इंसुलेटर लगे हुए हैं, और यहाँ अगर आप गिनिएगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ 10 लगे हुए हैं। तो आपको करना क्या है, आपको 16 के टेबल से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 16 के टेबल से मल्टीप्लाई करिएगा तो 16, 32, 48, तो 33 KV लाइन के लिए 16 32, और उसके बाद 16 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48। तो इसीलिए 33 KV में अगर वो वर्टिकल टाइप होगा तो आपको इस तरह का 3 इंसुलेटर ऐसा लगेगा। हालांकि ये टावर के लिए मैं बोल रहा हूँ, जनरली 33 का तो एक अलग ही ढंग से उतना ऊंचाई का होता है, टावर के लिए जनरली मैं बता रहा हूँ। तो आप देखेंगे 16 के टेबल से ही आपका समाधान हो जाएगा। अब देखिए 16 × 9 तो 144 हो गया, ठीक है, और 16 × अगर आप 8 करिएगा तो 128 हो गया। तो 1,32,000 के लिए 8 से काम नहीं चलेगा, तो 9 से काम चलेगा। तो वर्टिकल जब इंसुलेटर जहां भी रहेगा वहां 9 आपको जरूरत होगा, तो 9 आप काउंट कर लेंगे तो आप कह देंगे 1,32,000 की लाइन है। और जहां 10 रहेगा, देखिए जहां हॉरिजेंटल है वहां एक ज्यादा देता है, मैंने बताया ही था, तो अगर 10 रहेगा तो आप समझ जाएंगे 1,32,000 के लिए है। तो इस लाइन को देख के आप समझ सकते हैं, जो 1,32,000 बाईं तरफ है और उसके बाद दाईं तरफ है 33 KV, एक्चुअली ये 132/33 KV सब स्टेशन है। देखिए आप, सब स्टेशन है, तो इसलिए इस तरफ 1,32,000 लाइन है, 1,32,000 का सारा सेट है, और इस तरफ 33 KV का है। अब देखिए ये लाइन को देखिए, ये कितने की लाइन है ये। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका इंसुलेटर गिनेंगे। तो रुकिए, मैं इसको जूम करके इसका इंसुलेटर गिनता हूँ। तो इसको अगर ध्यान से देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 इंसुलेटर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 15 × 16 आप मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे ये हो जाएगा 240, अर्थात इससे तो कम का ही वोल्टेज होगा ना। तो 240 से नीचे क्या है, 220 KV, अर्थात 2,20,000 की ये लाइन है। तो अब आप इजीली इंसुलेटर गिन के आप बता देंगे कितने केवी की लाइन है। अब देखिए, जहां बंडल्ड कंडक्टर है, मतलब एक एक कंडक्टर में आप देख रहे हैं ना, 3-4 कंडक्टर जहां है, यहां देखिए इस लाइन में, तो वो 400 KV की लाइन है। इसमें भी इंसुलेटर आप उसी तरह गिन के देख लेंगे। ये देखिए बंडल कंडक्टर है, 400 KV की लाइन है इस टावर पे जो है,
ये टावर जो आप देख रहे हैं जो मूव कर रहा है। और अब देखिए ये भी बंडल कंडक्टर है, लेकिन इसका टावर आपको डिफरेंट लग रहा है। और देखिए यहाँ दो सेट ऑफ कंडक्टर है, तो ये एसी लाइन नहीं है, ये डीसी लाइन है, हाई वोल्टेज डीसी सप्लाई, एचवीडीसी जिसको बोलते हैं। तो जैसे ही आपको दो मिल जाए, बड़ा मिल जाए टावर, तो वो डीसी सप्लाई होता है और काफ़ी ज़्यादा होता है। ये 765 kV तक इंडिया में तो जनरली आपको मिल ही जाएगा, इस तरह 500 kV, 765 kV, तो ये देख के आप समझ जाइए। और आप देखिए ये जनरली ट्रांसफार्मर सब पे जो आपको मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पे, ये इंसुलेटर का साइज़ समझ के, और चूंकि ट्रांसफार्मर है तो इसलिए ये 11 kV अर्थात 11,000 वोल्ट का लाइन है। तो 11,000 वोल्ट का जो इंसुलेटर है उसका आप साइज़ देख के पहचान लीजिए, डीपी पे है अर्थात डबल पोल पे है। अब देखिए यहाँ मैंने दो इंसुलेटर रखा है, एक ये है 11 kV का इंसुलेटर अर्थात 11,000 वोल्ट वाला, और ये है 33 kV का अर्थात 33,000 वोल्ट का। तो दोनों इंसुलेटर का साइज़ देख के आप समझ सकते हैं ये कौन सी लाइन है। तो मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा, कुछ डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप, मैं ऐसा आपको ट्रिक बता रहा हूँ ना जो आपको याद नहीं रखना पड़ेगा। 16 का टेबल आप अगर नहीं जानते हैं, जानना क्या है, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बहुत सारे अच्छे वीडियो हैं वो देखिए, और दूसरों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने। मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, बस सब्सक्राइब कर कीजिए और करवाइए।